Hi guys, welcome you all in CAD Quant videos, and we are starting a new concept which is sum of first n natural numbers. Sum of first n natural numbers. Kya formula hota hai? N into n plus 1 divided by 2. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to n. Kya formula hota hai? N into n plus 1 divided by 2. So let's see one last question on sum of first n natural numbers. तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देते हैं. A child was asked to add first few natural numbers. And when he gave the answer as 575, teacher declared it wrong answer. बच्चे ने कितना आंसर दिया? 575. And teacher declared it wrong. The child discovered that he had missed one of the numbers during the addition, and we have to tell what number did he miss. कौन सा नंबर उसने मिस किया? 575 उसने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम निकाला, जिसमें उसने एक नंबर मिस कर दिया. उस मिस करने की वजह से जो ये आंसर दिया ये गलत था, तो हमें बताना है क्या नंबर उसने मिस किया. तो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, याद रखिए. मुझे बताइए, अगर कोई भी नंबर उसने मिस ना किया होता तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम उसका क्या बनना चाहिए था? n into n plus 1 divided by 2. यही सम आना चाहिए था भाई. लेकिन बच्चे ने क्या आंसर दिया था? 575 दिया था, जो कि इससे ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि एक नंबर क्या कर दिया था उसने? मिस कर दिया था. तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं n into n plus 1 divided by 2 should be greater than 575 होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? n into n plus 1 क्या होना चाहिए? greater than 1150 होना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं n square plus n should be greater than 1150. तो n की ऐसी वैल्यू सोचिए जिसका स्क्वायर टर्म है 1150 के आसपास आ जाए, क्योंकि स्क्वायर बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू n. आप सिंपल स्क्वायर सोचो, तो n को अगर ऐड करेंगे तो 1150 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए. तो लेट्स सी, अगर आप n को स्टार्ट करते हो 30 से, लेट्स स्टार्ट विद 30, तो यू वुड सी दैट दिस इज 30 स्क्वायर प्लस 30, इट कम्स आउट टू बी 930. कितना आएगा ये? 930. बट हमें कितना चाहिए? 1140. तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल अगर आप लगाएंगे तो यू वुड सी दैट अगर आप n को 34 पुट करते हो उसे, तो 34 पुट करते हो, तो यू वुड सी दैट 34 का स्क्वायर प्लस 34, एंड इट कम्स आउट टू बी ये वैल्यू होती है आपकी 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इट वुड बी 1156 एंड प्लस 34, तो ये आपका कितना बन जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 1190. कितना बन जाएगा? 1190, जो कि किसको क्रॉस कर गया? 1150 को क्रॉस कर जाएगा. इससे पिछले वाला नंबर हो गया 33 स्क्वायर, तो वो उसको क्रॉस नहीं करेगा. तो 1190 किसकी वैल्यू आई है? n स्क्वायर प्लस n की, मतलब n into n plus 1. उससे n into n plus 1 divided by 2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1190 divided by 2 हो जाएगी, मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी? It comes out to be 595. तो क्या हम बोल सकते हैं लॉजिकली, जो सब एक्चुअली 595 स्टूडेंट को बोलना चाहिए था, उसने कितना बोल दिया? 575 बोल दिया. तो आप ही बताइए which number did he miss? उसने जो number miss किया था वो 20 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है 20. तो आई होप सो सबको समझ में आया. मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो बहुत आसान है क्वेश्चन. हमने कहा अगर कोई भी नंबर मिस ना होता तो आंसर ये होता, लेकिन कोई नंबर मिस हुआ तो आंसर ये आया था, और ये क्या होना चाहिए? इससे पक्का कम होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई नंबर मिस हो गया है. तो आप बोलोगे n into n plus 1 should be greater than 1150, या फिर n square plus n should be greater than 1150. हमें n की ऐसी वैल्यू सोचनी थी जिसका स्क्वायर करके और n ऐड करके 1150 को क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए, क्योंकि इससे बड़ा आना चाहिए था. तो वो वैल्यू हमने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाया तो 34 मिली, जिसमें 1190 बन गया. तो 1190 तो n into n plus 1 था, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 595 दिया था. 575, which number did he miss? 20 did he missed. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है?